हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुसुम की रसोई में। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेस्ट, और इसे सीखने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखें। तो ये मैंने लिया है 4 चिकन, जो मैंने चिकन वाले से ही अच्छे से इसे मैंने पतला पतला कटवा लिया है, क्योंकि चिकन भी है जो वो पकना चाहिए। इसे देखिए, मैंने इसे अच्छे से धोकर इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। तो इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच दही और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये। और ये मैंने काटा है 3 हरी मिर्च, और ये धनिया पत्ता को मैंने धोकर अच्छे से बारीक से काट लिया है। और ये मैं मसाले इसमें क्या क्या डालूंगी तो मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें 1/2 बड़ा चम्मच मैं हल्दी ली हूँ, और 1/2 बड़ा चम्मच मैं धनिया का पाउडर, और आधा चम्मच इसमें डाल देती हूँ, और 1/2 बड़ा चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ इसमें, देखिए। और इसी मैं कश्मीरी मिर्च से जो रंग है हमारा चिकन ब्रेस्ट का वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो और इसमें मैंने लिया है इसी चम्मच से, मतलब उससे भी 1/3 मैंने लिया है जीरा और गुल की, मतलब काली मिर्च, ये मेरा दोनों मिक्स था। और ये मैंने 1/2 टीस्पून जो वो छोटा वाला चम्मच होता है उससे गरम मसाला में ली हूँ आधा, और मैं उसी चम्मच से 1/2 टीस्पून से मैं ही हींग ली हूँ आधा, तो इसे मैं डाल देती हूँ। और ये मैंने 2 बड़े चम्मच दही जो लिए थे उसे भी डाल देती हूँ इसमें, और इसमें मैं जो 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस रखी थी उसे भी हम डाल देते हैं। तो और जो मैंने अदरक और लहसुन को जो पेस्ट बनाया है उसे भी डाल देते हैं, और इसी मिर्च और धनिया को भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए, इसमें अब हम इसे हमें अब अच्छे से मिक्स करना है। इससे पहले मैं इसमें 2 बड़े चम्मच जो मेरा चम्मच था उसी से मैं सरसों का तेल डालूंगी। इसी में मैं साथ में ही डालकर सभी को अच्छे से मिक्स करूँगी। तो चलिए, इसे अब हम हाथों से मिला लेते हैं। देखिए मैं किस तरह से मिला रही हूँ, इसे अच्छे से सभी मसाले इसमें मिक्स होने चाहिए। तो इसे चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए मैं किस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो चलिए इसे अब हम देखिए, इसी तरह से हमें सभी मसाले को अंदर एकदम अच्छे से इसे मसाले सभी चिकन में लगने चाहिए। तो देखिए, ये देखिए, ये हो गया है दोस्तों। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक भी डाल दूंगी, देखिए। और इसे हम अब अच्छे से मिला लेते हैं, और इसे फिर हम ढककर रख दूंगी 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। 2 घंटे इसे मैं इसी तरह से छोड़ देती हूँ मैरिनेट होने के लिए। तो देखिए दोस्तों, 2 घंटे हमारे हो चुके हैं, तो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। तो इसे अब हम अच्छे से एक बार फिर से इसे मैं मिला लेती हूँ, देखिए। अब चलिए, मैं पैन में बना रही हूँ, तो पैन को हमें गर्म होने के लिए रखना है। पैन देखिए हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब मैं सरसों का जो तेल है उसे ऐड करूँगी। ये मैंने थोड़ा कम डाला है, तो इसमें मैं थोड़ा तेल और ऐड करूँगी। तो देखिए ये हो गया दोस्तों, इसे हम चारों तरफ से अच्छे से मिला लेते हैं, इसी तरह से मिला लेते हैं। तो चलिए, तेल को भी हमें काफ़ी अच्छे से गर्म करना है, इसे हम तेल को भी गर्म होने देते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, चलिए अब हम चिकन को इसमें डाल देते हैं। इसमें मेरे सारे चिकन जो है वो अच्छे से आ जाएंगे, सभी को एक तरफ से मैं सिकने के लिए अच्छे से रख देती हूँ। और गैस का फ्लेम जो है वहाँ यहाँ मैंने लो रखा है, इसे हमें 10 मिनट तक एक साइड अच्छे से एकदम पकाना है, ताकि ये चिकन हमारा जो है वो काफ़ी अच्छे से पके। तो मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूंगी, और इसे बिल्कुल भी नहीं पलटूंगी, और इसे एक तरफ से मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दूंगी। इसे मैं ढककर पकाऊंगी, तो मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया है, इसे अब हम पकने देते हैं दोस्तों। देखिए एक तरफ से कितना अच्छा से ये मतलब पक चुका है, तो इतना पकाना है कि मतलब एक तरफ से जो इसका ब्राउन कलर हमें दिखने लगे उतना तक हमें इसे पकाना है। इसे हम पलट लेते हैं। देखिए एक तरफ से मतलब काफ़ी अच्छा से देखिए ब्राउननेस आ गया है, तो इसी तरह से हमें एक तरफ से इसे मैंने 10 मिनट के लिए इसी तरह से मैंने छोड़ दिया था,
तो चलिए मैं इस सभी को अच्छे से पलट लेती हूँ और दूसरी तरफ से हमें इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। उसे भी दूसरे साइड से भी पकने के लिए हमें जो 10 मिनट एकदम उसको टाइम देना है, 10 मिनट उसे भी दूसरी तरफ भी हमें पकाना है। तो चलिए इसका गैस का फ्लेम जो है मैंने बंद करके रखा है, इसे भी हम अच्छे से पकने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा एकदम इसका रंग आया है, कितना अच्छा ये पका है। तो ये देखिए दोस्तों ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देते हैं और इस तरह से हमें पकाना है कि एक तरफ से मतलब ये ना हो कि एकदम जल जाए। और ये देखिए मैंने किस तरह से इसे पकाया है, बहुत ही इसका अच्छा कलर आया है दोस्तों। तो देखिए ये हो चुका है, इसे अलट पलट कर बस हमें इसे मैं अलट पलट कर 5 मिनट के लिए और इसे मैं पकाऊंगी। तो इसे मैं इस तरह से ढक ढक कर पकाई हूँ ताकि चिकन जो है हमारा काफ़ी अच्छे से पक जाए। तो ये हो गया है दोस्तों, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए मैं आपको सर्व कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों कैसा लगा आपको चिकन ब्रेस्ट, कैसा एकदम देखिए पक कर ये काफ़ी अच्छे से चिकन जो है वो हमारा पक चुका है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आया है दोस्तों। तो आप लोग इस तरह से बनाकर खाएं और हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों।